अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ भुने हुए चावल की खीर, जो बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर मिल्क, जो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है उबलने के लिए। और उसके लिए हमें चाहिए चावल, आधा कप है ये। इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगा दिया था। भिगाने के बाद इसका मैंने पूरा पानी निकाल कर ऐसे सुखा लिया है। अब हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो मैंने ये चावल को मिक्सी जार में पीस लिया है। हमें इतने ही दरदरा चाहिए। अब हम इसको घी में भूनेंगे। तो मैंने अपने गैस को ऑन कर लिया है। अब मैं एक फ्राई पैन रख देती हूँ इस पर, और इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच घी। अब मुझे ये चावल को भूनना है ये घी में डालकर। इसे हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। अब ये हमारा होने पे आया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने चावल को निकाल लिया है एक बाउल में। अब हम इसको एक साइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ कुछ ड्राई फ्रूट, ये कुछ काजू हैं कटे हुए, और ये बादाम, थोड़े से चिलौंजी, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से किशमिश, और 1 कप शक्कर है। अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब ये दूध को मैं फिर से गर्म कर रही हूँ। तो हमारा दूध गर्म हो चुका है, उबाल आ गया है इसमें। अब हम इसमें डाल देते हैं वो वाला चावल जो भून के रखे थे हमने। तो मैंने चावल को डाल दिया है। अब इसको हम चलाएंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें शुगर, इसको भी चला लेंगे। अब ये दूध को हमें इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए रबड़ी के जैसा। तो देखिए हमारी दूध गाढ़ी हो चुकी है एकदम रबड़ी के जैसी। अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। तो मैंने ड्राई फ्रूट को भी डाल दिया है। बहुत टेस्टी बनी है ये। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने खीर को निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है ये, और कितने आसानी से बन गया है। जब भी मीठा खाने का मन हो तो ये वाला खीर फटाफट बनाइए और खाइए। तो प्लीज़ लाइक कर दें ये अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।